फिट जाओ वो लड़की चल रही है उसे लगेगा उसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ मेरे को पता गफ्फार वाला है क्या गफ्फार नहीं पता तुम्हें गफ्फार मार्केट तो करोल बाग में पर गफ्फार वाला क्या क्या तू बीच में खड़ी हो साइड हटो कहाँ पे कहाँ है स्टोर के अंदर कैमरा अलाउड है बिल्कुल अलाउड है भाई मेरा मेरे ब्लॉग अलाउड है भाई हर जगह ये सब जानते हैं भाग 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 ऐसे हल्के हल्के नहीं आता भागूंगा तो मैं वहीं पर होटल बोल ब्लॉग में कुछ नहीं डालने गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल मेरा नाम है पीयूष का स्वागत है इस नए ब्लॉग में तो भाई पहले ही ब्लॉग स्टार्ट होने से पहले एक चीज एकदम क्लियर से बता देता हूँ फोन मेरा नहीं है मैं अब भी 13 प्रो ही चला रहा हूँ ये वाला फोन जो है ये भैया ने लिया है ऋषभ भैया ने 14 प्रो लिया है स्पेस ब्लैक कलर में जो कि एक नया कलर आया पहले स्पेस ग्रे आता था और आज 17th of September है तो आईफोन ने कल ही अपने डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट किया था फोन्स के लिए और आज सेकेंड डे ही है लाइक डिस्ट्रीब्यूशन के बाद सेक्शन को स्टार्ट किया था 17 को हमें फ़ोन मिल जाएगा तो फटाफट चलते हैं फ़ोन उठाते हैं और आपको दिखाते हैं क्या सीन है पूरा और बहुत इंटरेस्टिंग बात जो है इस ब्लॉग के बारे में हमें हमारे घर के आसपास फ़ोन नहीं मिला क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी बुक हो रहे थे तो हमें एक लोकेशन मिली है लंदन की अब यूके वाला लंदन नहीं कनाडा में ही ओंटारियो में एक लंदन है जगह का नाम है वहाँ जा रहे हैं वहाँ से फ़ोन उठाएंगे एक मॉल से मॉल का नाम मैं आपको बता दूंगा मेरे को अभी नहीं पता है कि मॉल का नाम क्या है बट फटाफट से चलते हैं वहाँ से जाके फ़ोन उठाते हैं रास्ते भर दिखाएंगे फुल मस्ती होने वाली है तो हम चार लोग जा रहे हैं ऋषभ भैया मैं राहुल भैया और जसप्रीत दीदी तो दीदी को भी फ़ोन लेना है अगर वहाँ पे मिल जाएगा ऑफलाइन मतलब मान लेते हैं कोई कैंसिल कर देता है एट द एंड पॉइंट पे तो वो वाला फ़ोन दीदी ले लेंगी और दीदी को पर्पल कलर लेना है तो वहाँ जाके देखते हैं क्या हिसाब किताब है बाकी हमारे पास दो फ़ोन और हैं जो हम कल ही ले आए थे 16th को वो भी 14 प्रो ही हैं एक स्पेस ब्लैक है और एक पर्पल है तो उनके साथ कंपैरिजन करके दिखाते हैं पूरे फ़ोन्स का कि कौन सा कलर कैसा है कितने का पड़ा इंडिया में क्या प्राइसिंग है ए टू जेड सब कुछ पता चल जाएगा इस ब्लॉग को एंड तक देखना उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब भाई आईफोन 14 का शो ऑफ करते हुए देखा आपने किसान को देखा यो मैन व्हाट्स अप आई हैव द डायनामिक आइलैंड भाई तब से वीडियो बना रहे कभी किधर की फोटो खींच रहे सब अपना अलग अलग ये बंदा ए भाई बेल्ट क्यों लगा के बैठे भाई पहले तो बताओ सेफ्टी सच में सेफ्टी हाँ सेफ्टी रीजंस चश्मा क्यों पहना फिर बाहर का देखना भाई इनके पता इनके अलग लॉजिक है कह रही इस चीज से साफ दिख रहा है इस पे फिल्म चढ़ी हुई है तो शीशा खोल के देख रही है हमने बंद कर दिया चाइल्ड लॉक लगा दिया है देखो सच में लगा रखा भाई ताकि खोल ना पाए इंडिया में ऐसे रख दिया जाए तो कोई ना कोई तो लेके भाग जाएगा ना मतलब देखो यहाँ भी रखे हुए कप्स ये कॉफ़ी तो नहीं लेके भागेगा कोई पर ये कप और ये वाले तो कोई भी लेके भाग सकता है मैं साइड से लेके राहुल यार मेरे को पता मैं देखो ऐसे चुरा सकता है कोई भाई तुम्हारा एप्पल स्टोर कहाँ पे है ये कहाँ बीहड़ में खोल दिया एप्पल स्टोर यार शट अप कहाँ पे भाई बीहड़ भाई थोड़ा बता दो हमारे व्यूअर्स को क्या होता है बीहड़ तुम्हारा गूगल करने दो मेहनत करने दो भाई बीहड़ क्या होता है भाई बीहड़ होता है खेत खलियान बियाबान भाई भाई सच में देखना ये लंदन है भाई लंदन मतलब लंदन के अंदर ही हम लंदन के अंदर में समझ लेना कनाडा वाला लंदन ओंटारियो वाला लंदन फ्रांसिंग टॉवर नहीं देखी तुमने क्यों में तो बागी होते हैं एप्पल स्टोर ना होता है भाई यहाँ पे कहीं पे है स्टोर पर अभी देखते हैं अभी है 10 किलोमीटर पर ये सारी तरफ खेती है पता नहीं गफ्फार वाला है क्या गफ्फार क्या होता है ये गफ्फार नहीं पता तुम्हें गफ्फार मार्केट तो करोल बाग में पर गफ्फार वाला क्या अरे वो नकली वाला ऐसे नकली स्टोर अबे कितने गंदे लॉजिक है नए मॉल में आती है अपना कहाँ पे एप्पल स्टोर ये तो ऊपर वाले फ्लोर पे भाई वी आर ऑन लेवल 1 हमें लेवल 2 पे जाना है सीढ़ियाँ यहाँ पे चलो मॉल पहुँच चुके हैं लंदन के चाय पिट जाओ धक्का दे रहे आगे वो लड़की चल रही है उसे लगेगा उसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ
तो भाई मॉल पहुंच चुके हैं। मॉल का यार मेरे को भाई मॉल का नाम भाई जो भी इन्होंने बोला यही मॉल का नाम है। ये लंदन में है, फ़ोन लेने के चक्कर में भाई लंदन आया है क्योंकि आज ही चाहिए 17 सितंबर, तो 16 तारीख को कल से ही स्टार्ट हुए थे, हमें वहाँ पे घर के पास नहीं मिला तो हमने यहाँ पे लंदन में एक जगह है वहाँ पे आके एक मॉल में मेसनवेल मॉल में आके हमें वहाँ पे आके वो मिला कि हाँ आप वहाँ पे फ़ोन अवेलेबल है, तो यहाँ आए हैं लिटरली वहाँ से यहाँ 200 किलोमीटर दूर। अभी चलते हैं फटाफट फ़ोन उठाते हैं, एप्पल के बाद लाइन लग रही है। भाई आपका फ़ोन आपने पूछा 14 का कमिंग सून, आपका क्या हिसाब किताब हो रहा है? लेके आ रही है डिलीवर्ड क्या घर पे भेज दिया भाई इन्होंने? भाई ये 14 है, इसका नॉच वैसा ही है, ये भी 14 है, ये 14 प्रो, इसका नॉच देख सकते हो डिफरेंट है, और ये प्रो मैक्स, ये सब कुछ सेम है इन दोनों के डिस्क्रिप्शन में, 6.1 का है ये, 6.7 का, बाकी ऑलमोस्ट सब कुछ सेम है, बस का ये फीचर जो है ना ये बहुत अच्छा है। मतलब मेरे को इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं लगा, मेरे को ये नहीं पता था कि 14 में ये नॉर्मल ही है, सिर्फ 14 प्रो में और 14 प्रो मैक्स में ऊपर का नॉच अलग है। ये 14 प्रो का जो न्यू कलर आया है पर्पल, इसे थोड़ा टिल्ट कर देना तब पर्पल दिखता है सही से, मैं फ्लैश ऑन नहीं कर सकता फोन की, बट कलर इज़ नाइस। और जैसे ये फ़ोन जो हैं इनमें सिम ट्रे है, कुछ लोगों को डाउट्स था कि सिम ट्रे है कि नहीं, पर जो 14 के वेरिएंट है मतलब कनाडा के वेरिएंट्स में सिम ट्रे है, पर जो US वाले मॉडल्स हैं उनमें नहीं है, तो ये चीज़ का ध्यान रखना अगर आप किसी से फ़ोन बाहर से मंगवा रहे हो तो। कलर अच्छा लग रहा है मेरे को ये पर्पल सा। 14 प्रो में और 14 प्रो मैक्स में सिर्फ एक मेजर डिफरेंस है इसके टाइम का, 14 प्रो मैक्स 29 आवर्स की वो देता है लाइफ स्पैन बैटरी की, और ये 23 की देता है प्रो वाला, तो यही एक मेजर डिफरेंस है, बाकी स्क्रीन साइज़ का तो आप सबको पता ही होगा, ये 6.7 का है और दिस इज 6.1, तो अगर बड़ा फोन चाहिए तो ये ठीक है, बाकी सारे फीचर सेम है, सिर्फ बैटरी लाइफ थोड़ी डिफरेंट है बस। मैंने पहली बार देखा ये आई वॉच है, मतलब किसी को देखनी हो और ये भाई कनेक्ट नहीं है, मैं इसे पहन के निकल जाऊँगा ना किसी को पता भी नहीं चलेगा, पर हम चोर नहीं है ना भाई, दूसरी वाली भी ऐसी है कनेक्टेड ही नहीं है, देखो भाई खुशी वाला चेहरा और दुख वाला चेहरा साथ में, हाँ गुड दुख वाला इसलिए कि पैसे देने वाले दे दिए भाई, हाँ पैसे हम पहले ही घर से ट्रांजेक्शन करके आए थे। न्यू फोन, ओ माय गॉड भाई इसे 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 फेंक दो ना, वो तो कूड़ेदान है। नहीं ये चलाएंगे, वो भाई चलाएगा, ये नहीं बताना था ना रेडिंग नहीं किया ना फिर हमने रेडिंग का भाई, वो देखो भाई आईफोन 14 दिखाना भाई, देख रहे हो कितने चौड़ में निकाला भाई, देख रहे हो ये पहले दिन ही लेके आ गए थे, गेट जैन वन जी और नोटिफिकेशन भाई। स्टार्ट कर दी हाँ। भाई ये 14 प्रो की टेस्टिंग करी जा रही है एकदम ऐसे, सबको लगना चाहिए कि मैं बड़ा सेलिब्रिटी हूँ, ठीक है मेरा पीछे पीछे आ जाओ, ये लोग भी दिखा दो, इन्हें भी फेमस कर दो मेरे ब्लॉग में, इन दोनों को भी दिखा दो पीछे, इन दोनों को भी ले लो भाई, टेस्टिंग चल रही है। चलो तो भाई स्टोर के अंदर कपड़े देखते हैं। स्टोर के अंदर कैमरा अलाउड है? बिल्कुल अलाउड है भाई, मेरे ब्लॉग अलाउड है भाई हर जगह, ये सब जानते हैं मेरे को, आ जाओ पहले 0.5 पे शूट कर लो, 1 पे कर रहा हूँ, 1 पे कर 0.5 पे शिफ्ट कर दो, उस समय पता चल जाएगा ना लोगों को देखने के बाद, ए क्या भाई थोड़े रूड सब्सक्राइबर्स आ जाते हैं, कोई बात नहीं, ये सारे कलर्स दिखा दो ताकि लोगों को पता चले कलर क्लैरिटी कैसी है, इधर भी दिखा दो, अरे इधर दिखा, भाग भाग भाग, हल्का हल्का भागियो, ऐसे हल्का हल्का भागने नहीं आता, भागूंगा तो मैं वो हुसैन बोल्ट बन जा
स्टडी शॉट दिखा रहा हूँ ना। अरे नहीं चलना। अरे अरे वाह भाई फोन वोन सब ले लिया, आपको टेस्टिंग करके भी दिखा दी, मॉल में भाग के भी दिखा दिया, फोटोज भी दिखा दी सारी। अब फटाफट घर चलते हैं, इसको अनबॉक्स करते हैं, फिर इसकी डिटेलिंग के बारे में बात करेंगे, क्या क्या फीचर्स हैं और ये है कैसा अंदर से, और फिर आपको कंपेयर करके दिखाएंगे पर्पल के साथ और स्पेस ब्लैक दोनों फोन से कंपेयर करके फिर आपको दिखाते हैं। बाकी भाई मॉल में भागने में थोड़ी दिक्कत होती है, भागना नहीं चाहिए, गलत बात है। भाई कहाँ पर खाने आए हो? कहाँ पे खाना है? मैकडोनल्ड्स। नहीं एक बार जाएंगे जो गाड़ियाँ बोल रहे थे मैकडोनल्ड्स। भाई ये गलत आते हैं। भाई घर आ गए, फटाफट अंदर चलते हैं, फ़ोन को अनबॉक्स करते हैं और फिर आपको कंपैरिजन करके दिखाते हैं कौन सा कलर कैसा है, और अपना फ़ोन भी दिखाते हैं फटाफट। भाई तुम अभी खुश नहीं हो क्या? अरे खुश हो कि नहीं हो? स्मार्ट हुआ। चलो ठीक है। तो भाई फोन है हमारे हाथ में, मस्त एकदम फोन ये रहा और कवर ये रहा, केस है मिडनाइट, मैं आपको दिखा दूंगा पास से। भाई इसको फटाफट से अनबॉक्स करते हैं क्योंकि मेरे को ज़्यादा इंटरेस्ट है इसे खोलने में फिलहाल। तो ये एप्पल वालों का हिसाब किताब सही है, पहले इसके ऊपर पिन्नी भी आती थी ना एक? हाँ आती थी। मतलब यार रैपिंग भाई ऐसे दिखाओ। भाई इस बार ये बहुत डार्क आया है, मैं अभी कंपेयर करके दिखा दूंगा आपको दूसरे फ़ोन्स के साथ। इसका जो बेस्ट पार्ट है इसका नॉच का, इसे ऑन करते हैं। ये भी चेंजेस सर, पहले ऑन हो जाते थे कुछ है, रैपिंग हटाते ही थोड़ी ऑन होता था, हो जाते थे भाई भी ऑन होता है। फिर इसका नॉच दिखाते हैं, डब्बे में कुछ नहीं आता, डब्बा कोई फ़ायदा नहीं है देखते, वही स्टिकर जब तक ये ऑन होता है। पता है ये मैक सेफ के कवर थोड़े से महंगे आते हैं, जैसे ये हमें $77 का पड़ा, पर हाँ यार क्वालिटी है और टच फील बहुत अच्छा है इसका, मतलब क्वालिटी पता चलती है अगर इतना महंगा फ़ोन ले रहे हो। देखो इसमें मैग्नेट होती है ऐसे चिपका हुआ, तो इसे फिर मैं लगाऊंगा ना इस पर तो भी मैक सेफ का साइन बना आ जाएगा। होला ठीक है। भाई ये पर्पल कलर है, बहुत ही अच्छा है, ये iPhone 14 में यही कलर, मतलब इस बार ये कलर लॉन्च किया है, जैसे पिछली बार ब्लू किया था ना, और ये है स्पेस ब्लैक, इस बार ये भी आया, मतलब पहले स्पेस ग्रे था, ये iPhone 13 है इसका ना, ये वाला जैसे ऊपर का आप ये देख रहे होंगे कैमरा का जो लिड है ये थोड़ा सा लाइट है और ब्लैक में बहुत डार्क है, कंपेयर करना है तो ऐसे कर लो। ये 14 प्रो है, ये 13 है, बाकी ये दो नए कलर्स हैं, ये वाला तो बिल्कुल ही नया है और ये वाला स्पेस ब्लैक है। बाकी इसके मैक्सेफ के कलर है, कवर है ये इसके लिए, इसका क्या है भाई वो भी तो। iPhone 14 पे क्या कहा भाई तुमने, भाई इन्हीं के फ़ोन है। तो ये वाला इसके लिए भाई, कलर आप खुद देख सकते हो, दोनों बढ़िया लग रहे हैं एक नंबर, और 13 के साथ कंपेयर करना है तो भाई ये रहा, ये 13 है। अगर ये वीडियो कहीं भी अच्छी लगी हो आपको किसी भी पॉइंट पे, तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कर देना, और जिसको iPhone 14 लेना है बिना किडनी बेके उनको ये वीडियो ज़रूर भेज देना। तब तक के लिए ध्यान रखिए, पीस आउट। और मैं इसको अपलोड कर दूँ ऐसे तो।